हेलो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इनकम पिछले जून में थी 3349 करोड़ और अभी जून 2020 में हुई है 1784 करोड़। एक्सपेंस पिछले जून में थे 2635 करोड़ और अभी हुआ है 1568 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2019 में था 818 करोड़ और अभी जून 2020 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 215 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले जून में था 565 करोड़ और अभी वो भी कम हुआ है 149 करोड़, काफी कम हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो इस जून में जो इनकम है वो 46% कम हो गई पिछले जून के मुकाबले, एक्सपेंस 40% कम हो गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 73% कम हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी 73% कम हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कौन सी सब्सिडियरीज है। नैनी एरोस्पेस, इंडो रशियन हेलीकॉप्टर्स और जॉइंट वेंचर्स में कौन से कंपनियां है। बायल एचएल सॉफ्टवेयर, सफरान एचएल एयरक्राफ्ट इंजिन्स, देखिए एयरक्राफ्ट इंजिन बनाती है। इंडो रशियन एविएशन, एच एल बी आई टी एवियोनिक्स, हालबिट एवियोनिक्स, सामटेल एच एल डिस्प्ले सिस्टम्स, इन्फोटेक एच एल, हेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग, टाटा एच एल टेक्नोलॉजीज, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इंजिन एमआरओ प्राइवेट लिमिटेड। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का चार्ट क्या कहता है। जनवरी में 864 पे काम कर रहा था अप्रोक्सीमेट और फिर पंडेमिक में कम होकर 500 का लेवल दिखाया था। फिर यहाँ पे चाइना का जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहाँ से बढ़िया रैली स्टार्ट की और 1400 तक पहुंच गया, काफी फास्ट रैली है और फिर 1400 से नीचे आना चालू करता है और एक साल के पहले के लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखें, कई रिटेल इन्वेस्टरों ने यहां पर शेयर लिया होगा 1100 के ऊपर 1400 तक, उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बढ़िया कंपनी है अपने देश की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, तो ये रैली जो काफी ज्यादा चली यहां पर, नॉर्मली ऐसी रैलियों में टॉप जब भी होता है तभी रिटेल इन्वेस्टर माल ले लेते हैं और फिर प्राइस नीचे आना चालू होती है। थैंक यू।